तो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्रोनिक किडनी डिजीज में उसके साइंस एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे क्रोनिक किडनी डिजीज में किडनी डैमेज की वजह से जो ब्लड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी थ्रू एक्सक्रीट होने चाहिए वो हमारे बॉडी थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो पाते और ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हमारे हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और वो टॉक्सिक मटेरियल हमारे बॉडी में सर्कुलेट होने की वजह से वहाँ पे कुछ वैसे साइंस एंड सिम्टम्स वहाँ पे शो होते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, उसके साथ साथ फ्रेंड्स वहाँ पे यूरिन आउटपुट भी कम होता है बॉडी थ्रू, जो यूरिन आउटपुट ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होने की वजह से वहाँ पे यूरिन आउटपुट भी कई बार कम होता है, इसलिए वहाँ पे जो फ्लूड क्या होता है ना, फ्लूड ओवरलोड होता है हमारे बॉडी में से, फ्लूड कंजेशन होता है वहाँ पे, इसलिए प्लियोरिफ्यूजन कई बार कार्डियक प्लियोरिफ्यूजन या फिर उसके साथ साथ पेरिकार्डियल ड्रग वगैरह। ठीक है, उसके साथ साथ पेशेंट में पेडल एडिमा, बायलैटरल पिटिंग एडिमा, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे पेशेंट में धीरे धीरे दिखते हैं फ्रेंड्स ऐसी केसेस में। ठीक है, इसलिए जरा सा हम लोग अभी एक एक करके उसके साइंस एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स फ्लूड ओवरलोड। ठीक है, फ्लूड ओवरलोड इफ लेस यूरिन आउटपुट देन। ठीक है, वहाँ पे क्रोनिक किडनी डिजीजेस में वहाँ पे यूरिन आउटपुट भी लेस होता है। ठीक है, यूरिन आउटपुट भी कम होता है, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है फ्लूड ओवरलोड की वजह से पेशेंट में क्या होता है फिर फ्लूड कंजेशन हमारे बॉडी में धीरे धीरे एक्युमुलेट होने लगता है, इसलिए कई बार क्या होता है फिर पेशेंट को पेडल एडिमा, पेशेंट को पैरों पे स्वेलिंग होती है, पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा रहता है ये। ठीक है, उसके साथ साथ पेशेंट को कैसे रहता है वहाँ पे ऑर्बिटल स्वेलिंग रहती है या फिर ऑल ओवर बॉडी में स्वेलिंग रहती है, उसको हम लोग एनासारका भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे केसेस में फिर ये पेशेंट को कैसे एनासारका भी हो सकता है। एनासारका मतलब क्या होता है ऑल ओवर बॉडी में स्वेलिंग रहती है। ठीक है, स्वेलिंग इन ऑल ओवर बॉडी, एनासारका मतलब क्या होता है स्वेलिंग इन ऑल ओवर बॉडी, ऐसे ऐसी केड के पेशेंट में दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे उसके साथ साथ फ्लूड ओवरलोड के चांसेस दूसरे कौन से पेरिकार्डियल रब होता है, उसके साथ साथ पल्मोनरी एडिमा होता है ऐसे केसेस में। ठीक है, उसके साथ साथ प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है या फिर रेज जगलर जो JVP भी रहता है। ठीक है, रेज जगलर प्रेशर वगैरह ये रेज रहता है ऐसे केसेस में, मतलब ये क्या होता है फ्रेंड्स ये साइंस ऑफ फ्लूड ओवरलोड के साइंस दिखा देता है ऐसे केसेस में। ठीक है, वहाँ पे लंग कंजेशन वगैरह रहता है ऐसे केसेस में, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे फ्लूड ओवरलोड की वजह से ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेशेंट को कैसे डीप्रेस करेशन करना पड़ता है, इसकी वजह से ब्रेथलेसनेस वगैरह ऐसे केसेस में रहता है ऐसे केसेस में फ्लूड ओवरलोड की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में हम लोग देख लेते हैं फ्लूड ओवरलोड के साथ साथ हाइपरटेंशन। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स किडनी हमारी क्या करती है जो रेनिन रहता है ना किडनी क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे रेनिन सीक्रेट करती है एंड रेनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, रेनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, वहाँ पे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होके वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसके साथ साथ एल्डोस्टेरोन वगैरह सीक्रेशन वो भी होता है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ साथ फ्लूड सोडियम का रिटेंशन भी हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे सोडियम रिटेंशन की वजह से और वहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से वहाँ पे पेशेंट में क्या होता है हाइपरटेंशन वगैरह होता है, उसके साथ साथ फ्लूड ओवरलोड, उसके साथ फ्लूड ओवरलोड होता है वहाँ पे सोडियम रिटेंशन मतलब एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म बिगड़ जाता है, उसके साथ साथ वहाँ पे क्या होता है क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से वहाँ पे रेनिन सीक्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें वो एक मिला के क्या होता है वहाँ पे पेशेंट को हाइपरटेंशन दिखा देता है ऐसे केसेस में। ठीक है, ऐसे मैक्सिमम सीक्रेट के पेशेंट्स में हाइपरटेंशन सबसे मेन जो कॉम्प्लिकेशन रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, सीक्रेट के सबसे मेन जो कॉम्प्लिकेशन में आता है फ्रेंड्स सीक्रेट के हाइपरटेंशन ये सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, बाद में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रोटीन यूरिया। ठीक है, वहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बिगड़ने की वजह से वहाँ पे क्या होता है यूरिन में से प्रोटीन पास होते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, यूरिन में से क्या होता है प्रोटीन पास होते हैं, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है हाइपोप्रोटीनिया में दिखाई देता है। ठीक है, हाइपोप्रोटीनिया वगैरह दिखाई देता है, इसलिए जरा सा हमें वहाँ पे पेशेंट को बॉडी स्वेलिंग वगैरह भी दिखाई देते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, बाद में समझो मेन कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे एनीमिया भी है। ठीक है, सीकेडी के पेशेंट में क्या होता है एनीमिया भी दिखाई देता है ऐसे केसेस में। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे एनीमिया क्यों दिखाई देने लगता है वहाँ पे किडनीज क्या रहती है फ्रेंड्स वहाँ पे हमारे जो किडनीज रहती है वहाँ पे जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स रहते हैं किडनी के। ठीक है, वहाँ पे किडनी के जो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है ना वो क्या करते हैं फ्रेंड्स वो सेल्स ये इरिथ्रोप्योटिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे इरिथ्रोप्योटिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, इरिथ्रोप्योटिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं। एंड इरिथ्रोप्योटिन क्या करता है फ्रेंड्स, इरिथ्रोप्योटिन रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या करता है आरबीसी प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल रहता है, इनके आरबीसी प्रोडक्शन करता है और इसलिए वहाँ पे हीमोग्लोबिन वगैरह पेशेंट का मेंटेन होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन वगैरह इसी केसेस में मेंटेन होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है सीकेडी में किडनी की फंक्शनिंग बिगड़ने की वजह से ये क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या होते हैं इरिथ्रोप्योटिन सीक्रेट नहीं कर पाते। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स इरिथ्रोप्योटिन सीक्रेट नहीं कर पाते, इसलिए इरिथ्रोप्योटिन लेस सीक्रेशन होता है, इसलिए आरबीसी प्रोडक्शन भी वहाँ पे लेस होता है और इसलिए वहाँ पे पेशेंट की हीमोग्लोबिन भी कम होता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया पेशेंट का एनीमिया वगैरह, इसी किडनी के पेशेंट में एनीमिया ये सब होता है फ्रेंड्स। ये जरा सा हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे इसको ट्रीटमेंट वगैरह क्या क्या रहता है वहाँ पे एनीमिया को देखते हैं जरा सा डिटेल में और देखेंगे इसके थोड़ा सा थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे समझना है कि सिगरेट के पेशेंट में एनीमिया दिखा देता है ऐसे केसेस में। ठीक है,
बाद में डीप रेस्पिरेशन, जैसे मैंने बोला कि फ्रेंड्स वहाँ पे फ्लूड ओवरलोड की वजह से डीप रेस्पिरेशन, या फिर कई बार क्या होता है फ्रेंड्स यूरेमिया की वजह से भी पेशेंट क्या होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चले जाते हैं। ठीक है, यूरेमिया भी पेशेंट क्या होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चले जाते हैं, इसलिए पेशेंट में क्या होता है कई बार डीप रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से भी दिखा देता है। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से भी ये पेशेंट में क्या होता है वहाँ पे डीप रेस्पिरेशन दिखाई देता है ऐसे केसेस में। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स पेशेंट में कैसा टायर्डनेस रहता है, पेशेंट में क्या होता है यूरिन में से एक्सेस प्रोटीन्स जो लॉस आउट होते हैं ना, एक्सेस प्रोटीन्स वहाँ पे लॉस होते हैं, उसके साथ साथ पेशेंट में क्या होता है कैल्शियम भी कम रहता है। ठीक है, रीनल ऑस्टियोपैथी भी ऐसी सीकेडी के पेशेंट में रहती है। रीनल ऑस्टियोपैथी क्यों रहती है जरा सा थोड़ी देर में देखेंगे हम लोग, लेकिन इतना समझना है कि टायर्डनेस ये पेशेंट में क्या होता है लो कैल्शियम रहता है ब्लड में, उसके साथ साथ क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे प्रोटीन्स भी लॉस रहते हैं, हाइपोप्रोटीनेमिया की वजह से वगैरह टायर्डनेस दिखा देता है, ब्रेथलेसनेस रहता है पेशेंट में जैसे कि फ्लूड ओवरलोड की वजह से। बाद में पेशेंट क्वेश्चन तो प्रूराइटिस रहता है, प्रूराइटिस मतलब क्या होता है इचिंग रहती है, ये इचिंग क्यों रहती है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे जो यूरिया जो रहता है ना ब्लड यूरिया वगैरह हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ब्लड यूरिया वगैरह नाइट्रोजन स्ट्रेस को हमारे बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है ब्लड यूरिया वगैरह की वजह से वहाँ पे प्रूराइटिस मतलब पेशेंट में इचिंग रहती है। उसके साथ साथ पेशेंट को एनोरेक्सिया नौसिया वोमिटिंग, ये एनोरेक्सिया नौसिया वोमिटिंग ब्लड में क्या होता है ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है ना, क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे क्या होता है सीवियर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग भी रहती है। मतलब क्रिएटिनिन वगैरह पेशेंट को समझो 8 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्रिएटिनिन नॉर्मल कितना बोला मैंने 0.6 to 1.2, ये क्रिएटिनिन नॉर्मल रहता है, लेकिन समझो क्रिएटिनिन ये क्रिएटिनिन 8 वगैरह हो गया। ठीक है, 8 या 9 हो गया, ऐसे केसेस में क्या होता है वहाँ पे सीवियर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग रहती है ऐसे केसेस में। ठीक है, क्या होता है सीवियर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग रहती है, नौसिया रहता है, एनोरेक्सिया रहता है, पेशेंट को बिल्कुल भी इंटेक नहीं रहता, ये सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन रहता है सीकेडी के पेशेंट में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, एनोरेक्सिया नौसिया वोमिटिंग ऐसे सीकेडी के पेशेंट में रहता है, इसलिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे हमें डायलिसिस करना ही करना रहता है, क्यों वहाँ पे पेशेंट को कैसा इंटेक भी नहीं रहता, पेशेंट को नौसिया वोमिटिंग रहता है, ये इसलिए जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे सीवियर नौसिया वोमिटिंग रहता है, एनोरेक्सिया रहता है, इसलिए ऐसे केसेस में हमें डायलिसिस वगैरह करना पड़ता है ऐसे केसेस में। ठीक है, बाद में साइंस ऑफ यूरेमिया, जैसे कि हमने IKR में देखा था कि साइंस ऑफ यूरेमिया वगैरह कैसे रहता है वहाँ पे फ्रेंड्स एस्टेरिसिस रहता है, एस्टेरिसिस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स फ्लैपिंग ट्यूमर्स रहते हैं, पेशेंट को अच्छी तरह से हाथ स्ट्रेच करने रहते हैं पेशेंट को कैसे ट्यूमर्स आते हैं, मतलब फ्लैपिंग ट्यूमर्स रहते हैं, अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, मसल कोऑर्डिनेशन वीक होता है और कैसे पेशेंट में फ्लैप्स दिखाई देते रहते हैं, इसलिए ऐसे पेशेंट में साइंस ऑफ यूरेमिक इंसेफेलोपैथी में ऐसे केसेस में क्या होता है एस्टेरिसिस वगैरह देखने रहता है यूरेमिक इंसेफेलोपैथी में देखने के लिए। ठीक है, बाद में रीनल ऑस्टियोपैथी एंड एनीमिया एंड रीनल फेलियर, ये जरा से थोड़ी देर में देखेंगे फ्रेंड्स। रीनल ऑस्टियोपैथी क्यों रहता है क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे कैल्शियम वगैरह पेशेंट के ब्लड में कम रहता है, क्यों कम होता है रीनल ऑस्टियोपैथी क्यों होती है, रीनल रिलेटेड क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे बोन पोरस हो जाते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है थोड़ा सा देर में देखेंगे हम थोड़ी देर बाद रीनल ऑस्टियोपैथी वगैरह क्यों होते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है, यहाँ पे इतना ही देखना है कि फ्रेंड्स वहाँ पे रीनल रिलेटेड ऑस्टियोपैथी वगैरह कई बार देखा जाता है, इसके साथ साथ पेशेंट का एनीमिया रीनल फेलियर, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स एरिथ्रोपोएटिन की वजह से एनीमिया रीनल फेलियर में दिखाई देता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स साइंस एंड सिम्टम्स हमें अच्छी तरह से आप जब तक देखा है फ्रेंड्स अभी। ठीक है, इसके रिलेटेड हमें और पेशेंट को अच्छी तरह से एग्जामिन करके उसको इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने रहते हैं इस केसेस में। ठीक है, अगर हम लोग इसके इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन पार्ट्स में क्या क्या देखना है सीकेडी के पेशेंट में। ठीक है, सीकेडी के पेशेंट में सबसे पहले हमें हीमोग्लोबिन चेक करना है इस केसेस में, क्योंकि वहाँ पे सीकेडी के पेशेंट में एनीमिया रहता है, एनीमिया क्यों रहता है थोड़ी देर के पहले मैंने बताया कि फ्रेंड्स एरिथ्रोपोएटिन की वजह से। ठीक है, आप इसलिए हीमोग्लोबिन चेक करने रहता है एनीमिया के लिए, एनीमिया वगैरह है क्या देखने के लिए। ठीक है, इसलिए सब हमें सीक्रेट की स्टेजिंग वगैरह भी पता चलती है कि मतलब किस सिवियरिटी में है वगैरह। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स जो मेन आता है वहाँ पे सबसे मेन जो इन्वेस्टिगेशन आता है वहाँ पे यूरिन एग्जामिनेशन रहता है, यूरिन एनालिसिस में सबसे जो मेन चीज़ देखते रहते हैं वहाँ पे प्रोटीनयूरिया वगैरह है क्या या फिर हीमोग्लोबिन वगैरह है क्या ये देखा जाता है, वहाँ पे सबसे प्रोटीनयूरिया वगैरह कंटिन्यूस में दिख रहा है तो पेशेंट को क्या होता है किडनी डैमेज वगैरह रहती है वहाँ पे, इसलिए इस केसेस में प्रोटीनयूरिया वगैरह है क्या देखा जाता है। फ्रेंड्स वहाँ पे प्रोटीन में यूरिन में से प्रोटीन दिखाई देते हैं तो वहाँ पे हमें 24 आवर यूरिन प्रोटीन भी करना रहता है। ठीक है, 24 आवर में यूरिन में प्रोटीन्स कितने लॉस होते हैं ये जरा सा देखा जाता है ऐसे केसेस में। ठीक है, उसके साथ साथ में फ्रेंड्स यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो भी देखा जाता है, समझो सीकेडी डायग्नोस करने के लिए ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो देखा जाता है, समझो यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है उसकी 0.2 to 0.25, ये क्रिएटिनिन ये नॉर्मल वैल्यू रहता है वहाँ पे। ठीक है, यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन का रेशियो का नॉर्मल वैल्यू कितना रहता है 0.2 to 0.25 नॉर्मल वैल्यू रहता है, समझिए ये नॉर्मल वैल्यू 2.0 तक आ गई है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू समझो ये नॉर्मल वैल्यू 0.2 to 0.25 ऐसा यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो का नॉर्मल वैल्यू रहता है, ये समझो यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो का
वैल्यू कितना 2 से ग्रेटर देन 2 हो गया, 2.0 से ग्रेटर देन हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पनकम बेसिकली क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोटीन यूरिन में से प्रोटीन लॉस हो रहे रहते, ठीक है, यूरिन में से कंटिन्यूस प्रोटीन लॉस होते हैं, जैसे ऐसे केसेस में क्या होता है, सीकेडी वगैरह डायग्नोस करने के लिए केस टेस्ट किए जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन वगैरह क्योंकि ग्रेटर देन 2.0 वगैरह है, ऐसे केसेस में फिर हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे केसेस में फ्रेंड्स हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह डायग्नोस कर सकते हैं, और सीकेडी के सीकेडी वगैरह के पेशेंट में भी हम लोग ये सब चेक कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। बाद में उसके साथ साथ दर्द यूरिया क्रिएटिनिन, ठीक है, जो कि हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी हमें चेक करना रहता है, क्योंकि समझो बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह बढ़ा है या फिर क्रिएटिनिन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो ऐसे केसेस में भी हमें डायलिसिस वगैरह करनी पड़ती है, इसलिए जैसे दोनों की नॉर्मल वैल्यू और वहाँ पे समझो बढ़ा है तो ये जरा सा देखा जाता है। जैसे मैंने बताया कि क्रिएटिनिन वैल्यू 0.62 1.2 ये नॉर्मल वैल्यू रहती है क्रिएटिनिन की, ठीक है, मिलीग्राम पर डीएल, ये 0.62 1.2 मिलीग्राम पर डीएल ये क्रिएटिनिन की नॉर्मल वैल्यू रहती है, और वहाँ पे ब्लड यूरिया लेवल हम लोग 0 to 40 तक ये ब्लड यूरिया लेवल हम लोग नॉर्मल मान के चलते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, तो जो 40 के ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे समझना है कि वहाँ पे धीरे धीरे यूरिया बढ़ते रहता है, हमारे बॉडी में से यूरिया कैसे एक्सक्रीट नहीं हो रहा, ठीक है। बाद में ब्लड शुगर लेवल भी दिखने देती है क्योंकि वहाँ पे डायबिटिक इंड्यूस्ड सीकेडी वगैरह हो सकता है, ऐसे केसेस में कम्प्लीटली ब्लड शुगर मॉनिटरिंग भी अच्छे से करना रहता है, ठीक है। उसके साथ साथ सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी करने हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में फ्रेंड्स हमें सोडियम पोटेशियम दोनों देखना है, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है सीकेडी में क्या होता है पोटेशियम हमारे बॉडी में से वॉश आउट नहीं हो पाता, पोटेशियम एक्युमुलेट होते रहता है, ठीक है, पोटेशियम एक्युमुलेट होता रहता है, इसलिए ऐसे केसेस में हाइपरकैलेमिया वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि हाइपरकैलेमिया वगैरह दिखता है पोटेशियम समझो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 7 to 7.5 वगैरह से पोटेशियम बढ़ रहा है, तो हमें इंडिकेशन देता है कि हाइपरकैलेमिया वगैरह दिख रहा है, तो सीकेडी तो कन्फर्म डायग्नोस होता है, और वहाँ पर उसके साथ साथ हमें पेशेंट को डायलिसिस भी करना पड़ता है ऐसे केसेस में, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग पेशेंट की सीवियरिटी वगैरह देखने के लिए एबीसी भी करना पड़ता है, एट्रियल ब्लड गैसेस, ठीक है, एट्रियल ब्लड गैसेस में हमें सोडियम बाइकाप वगैरह आयन देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे फिर क्या होता है बाइकाप क्या होता है बाइकाप ये SCO3 निगेटिव ना, इसलिए बाइकाप क्या होता है सीकेडी के पेशेंट में बाइकाप आयन सीक्रेट मतलब किडनी जो रहती है ना फ्रेस एसिड बेस बैलेंस का भी काम करता है, ठीक है, हमारे किडनी जो एसिड बेस बैलेंस का भी काम करता है वहाँ पे फ्रेंड्स, वहाँ पे ब्लड क्या होता है ब्लड में बाइकाप आयन कम होने की वजह से ब्लड में क्या होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ठीक है, ब्लड में बाइकाप आयन कम होने की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस कम होता है, क्योंकि वहाँ पे किडनी क्या होता है जो बैकअप ये नहीं करता, ठीक है, बैकअप किडनी मैनेज नहीं करता, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है बैकअप आयन कम होता है और पेशेंट जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला जाता है, इसलिए ऐसे केसेस में एबीसी भी एट्रियल ब्लड गैसेस की भी इंपॉर्टेंस रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स ये सीरम कैल्शियम फॉस्फोरस यूरिक एसिड भी हमें करना रहता है, क्योंकि ये फ्रेंड्स क्या होता है ये सीकेडी के मार्कर्स रहते हैं, ठीक है, सीकेडी डायग्नोस करने के लिए सब नेफ्रोलॉजिस्ट सबसे पहले क्या देखते हैं उसके साथ साथ एनीमिया आएगा पेशेंट में, उसके साथ साथ पेशेंट में सीरम कैल्शियम फॉस्फोरस यूरिक एसिड के रेंज में डिफॉल्ट आ गया, ये सब देखने के लिए भी ये सीकेडी के पैरामीटर देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है रिनल ऑस्टियोपैथी रहती है, ठीक है, रिनल ऑस्टियोपैथी रहती है, इसे ऐसे केसेस में सीरम कैल्शियम भी देखा जाता है, क्योंकि सीकेडी के पेशेंट में सीरम कैल्शियम कम होता है, इसलिए हमें टैबलेट्स वगैरह उसके हिसाब से देने पड़ते हैं, ठीक है। बाद में पेशेंट में समझो फॉस्फोरस लेवल वगैरह है, हमारे जो किडनी डैमेज होते हैं ना किडनी डैमेज होने की वजह से जो फॉस्फोरस वगैरह है एक्स्ट्रा फॉस्फोरस वगैरह हमारी बॉडी थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो पाता, ठीक है, एक्स्ट्रा फॉस्फोरस क्या होता है हमारी बॉडी थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो पाता, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है फॉस्फोरस लेवल वगैरह बढ़ जाती है ऐसे केसेस में सीकेडी की, ठीक है, फॉस्फोरस लेवल बढ़ जाती है, उसके साथ साथ यूरिक एसिड में क्या होता है यूरिक एसिड का भी एक्सक्रीशन नहीं हो पाता और वहाँ पर ब्लड में हमें यूरिक एसिड भी रेज होता है ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में सबसे जो मेन इन्वेस्टिगेशन रहता है ना फ्रेंड्स बाद में यूएसजी एब्डोमेन वगैरह करने पड़ते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है, यूएसजी एब्डोमेन पेल्विस करने रहते हैं क्योंकि वहाँ पे किडनी की साइज देखे जाते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है, क्योंकि सीकेडी के पेशेंट में क्या होता है जनरली किडनी की साइज संकन होती है मतलब किडनी की साइज कम होती है सीकेडी के पेशेंट में फ्रेंड्स, ठीक है, किडनी की साइज क्या होता है सीकेडी के पेशेंट के किडनी साइज संकन साइज होती है मतलब किडनी की साइज कम होती है, लेकिन डायबिटिक के पेशेंट में क्या होता है किडनी साइज मैटर नहीं करती, लेकिन वहाँ पे जो मैटर करता है ना कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन मेंटेन करता है, ठीक है, कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन मतलब CMD ये देखा जाता है ये डायबिटिक के पेशेंट में, इन सब जो CMD मेंटेन किए हैं मतलब कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन कॉर्टिकल्स और मेडुला का डिफरेंशिएशन मेंटेन है क्या नहीं ये चेक किया जाता है यूएसजी में, समझो कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन वेल मेंटेन है तो क्या है नॉर्मल रहता है, इनके समझो कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन पुअरली मेंटेन या फिर नॉट मेंटेन हो गए मतलब कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन वहाँ पे है तो क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे इंडिकेट करता है कि कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन अच्छे से मेंटेन किया तो नॉर्मल रहता है, इनके कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन मेंटेन वहाँ पे नहीं है तो ये फ्रेंड्स क्या इंडिकेट करते हैं डायबिटिक पेशेंट में वगैरह नेफ्रोपैथी इंडिकेट करता है, ठीक है, इफ नॉट मेंटेन इट इंडिकेट्स नेफ्रोपैथी मतलब डायबिटिक नेफ्रोपैथी वगैरह ऐसे केसेस में ये कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन मेंटेन नहीं हो पाता ऐसे केसेस में, ठीक है,
इस वजह से यूएसजी में किडनी के साइज बाद में सीएमडी मेंटेन है क्या नहीं, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे देखा जाता है ऐसे केसेस में। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे इसलिए ऐसे इन्वेस्टिगेशन वगैरह हमें इन्वेस्टिगेशन पार्ट में देखना रहता है। बाद में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हम लोग जितना इन्वेस्टिगेशन करने का वो करते कर सकते हैं, वहाँ पे समझो डायग्नोसिस कन्फर्म नहीं होगा तो वहाँ पे हम लोग रीनल बायोप्सी भी कर सकते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है,